क्या आप जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां की पुलिस पीसीआर पर नहीं बल्कि भैंसों पर करती है गश्त? या फिर क्या कभी आपने उस स्कूल के बारे में सुना है जो है दुनिया में सबसे महंगा? अच्छा, तो क्या आप कभी किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो रोटी की जगह खाता है सिर्फ पत्थर? फिर तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि एक बच्चा ऐसा भी है दुनिया का सबसे बड़ा चेन स्मोकर माना जाता है। अगर नहीं जानते ये सब कुछ, तो आज का ये सफर आपको बना सकता है चलती फिरती नॉलेज बुक जो है सिर्फ फैक्ट से लाजवाब। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट लैंड का ये सफर, फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने बाइक्स तो एक से एक महंगी देखी होंगी, लेकिन दुनिया में एक ऐसी बाइक भी मौजूद है जिसे सबसे महंगी बाइक होने का दावा किया जाता है। जी हाँ, ये है नियमन मार्कस, एक लिमिटेड एडिटर फाइटर बाइक की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए। इसे अमेरिकन लग्जरी डिपार्टमेंट ने डिजाइन किया है। बता दें कि इसका 1966 सीसी का टी ट्वेन इंजन महज 3 सेकंड में 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड प्रदान करता है, और इसलिए यह बाइक दुनिया की सबसे तेज बाइक होने का भी दावा करती है। तो अगर आपकी जेब 80 करोड़ रुपए खर्च करने की ताकत रखती है, तो आप इस फ्यूचरिस्टिक बाइक को अपना बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर आपको अचानक पता चले कि आपका कंप्यूटर जानता है कि आप सच बोल रहे हैं झूठ, तो आप शायद तुरंत कंप्यूटर चलाना छोड़ देंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल, जिस कैप्चा से आप बार बार परेशान हो जाते हैं, असल में वो गूगल का सैनिक है जो गूगल को ये बताता है कि आप रॉन्ग यूजर हैं या राइट। लेकिन अब इंसान थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, इसलिए 2014 में गूगल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे आपका माउस गूगल को आपकी सारी जानकारी देता है। तो अब जब भी आप कंप्यूटर चलाएं, तो जरा संभल के, क्योंकि इस तकनीक में सिर्फ सच चलता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, वैसे तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मोकिंग करना कानूनी अपराध है, लेकिन इंडोनेशिया के सुकू भूमि में रहने वाला ये बच्चा ऐसा भी है जो बहुत छोटी सी उम्र में चेन स्मोकर बन गया, और छोटी से हमारा मतलब है महज 2 साल। जी हाँ, ये है रापी अनंदा पामुग्गा, जिसकी उम्र महज 2 साल है, और ये बच्चा 40 सिगरेट एक दिन में पी जाता है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अगर इस बच्चे को माँ इसकी सिगरेट खरीद कर ना दे, तो ये बच्चा अपनी माँ को मारता है। दोस्तों, इस बच्चे की माँ का कहना है कि वो इसकी आदत से बहुत परेशान है, लेकिन रापी है कि सिगरेट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हैकिंग के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, जब हैकर्स ने लोगों को कंगाल कर दिया, लेकिन दुनिया में एक हैकर ऐसा भी था जिसने हैकिंग से जुटाया सारा पैसा दान कर दिया। जी हाँ, ये हमजा बेंडलास, जिसने अपनी हैकिंग से करोड़ों डॉलर्स अमेरिकी बैंक से गायब कर दिए। दोस्तों, हमजा ने 23 साल की उम्र में हैकिंग के लिए स्पाई आई नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, और फिर उसे फ्रीवेयर के तौर पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। सॉफ्टवेयर के लॉन्च होते ही कई अमेरिकियों ने इसे डाउनलोड कर डाला। उसके बाद यूजर्स का सारा डेटा हमजा के सर्वर पर अपलोड हो जाता था, जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और फिर देखते ही देखते लोगों के बैंक अकाउंट खाली होते गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल में हमजा ने 217 बैंक अकाउंट्स में से करीब 400 मिलियन चुरा लिए थे। हालांकि बाद में हमजा ने सारा पैसा अफ्रीका और फिलिस्तीन में काम कर रहे कुछ एनजीओ को गरीबों के लिए दान कर दिया। 3 साल बाद थाई पुलिस ने हमजा को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी के खर्चे ज्यादातर एडवर्टाइजिंग चलते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दुनिया की एक कंपनी ऐसी भी है जिसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी भी तरह के एडवर्टाइजिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर स्पोर्ट्स कार ब्रांड लैम्बोर्गिनी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि लैम्बोर्गिनी एक ऐसा कार ब्रांड है जिसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लैम्बोर्गिनी के कस्टमर कुछ चुनिंदा ही होते हैं। कंपनी का मानना है कि हमारे ग्राहक सिर्फ अपना पैसा इस ड्रीम कार को खरीदने के लिए सेव करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अक्सर रात में पुलिस गश्त करती नजर आती है, कभी बाइक पर तो कभी अपनी 4-व्हील पीसीआर में। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां की पुलिस गाड़ियों के बजाय भैंसों पर गश्त करती नजर आती है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आप सोचेंगे कि भैंसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गाड़ी जितनी रफ्तार कैसे पकड़ सकती है? अरसल दोस्तों, ब्राजील के मराजो आइलैंड पर किसी भी अनजान गतिविधि को समझने के लिए भैंसे ज्यादा कारगर मानी जाती है, और इसीलिए यहाँ इन भैंसों की संख्या 4.5 लाख के आसपास है। इन भैंसों को इनके बड़े सींगों के लिए भी जाना जाता है। भैंसों पर गश्त का यह सिलसिला 1990 में शुरू हुआ था, जब इसके मराजो आइलैंड पर कुछ 23,000 लोग रहते थे, और तब से लेकर आज तक यहाँ इस नियम को फॉलो किया जाता है। दरअसल मराजो की भैंसें किसी भी दलदल को पार करने में माहिर होती है, यहाँ तक कि वहाँ की तेज गर्मी से निपटने में भी इनका कोई जवाब नहीं। यही कारण है कि पुलिस इन भैंसों का इस्तेमाल गश्त के लिए करती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 9। गैलापागोस कंजर्वेंसी में कछुओं की एक ऐसी प्रजाति है जो 100 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी,
लेकिन अचंभित करने वाली बात यही है कि जब एक पूरी प्रजाति लुप्त हो जाए तो फिर वो दोबारा जन्म कैसे ले सकती है। What? Celanoides fantastica नाम की एक कछुओं की प्रजाति एक बार फिर जिंदा हो रही है, जबकि वैज्ञानिकों ने दावा करते हुए कहा था कि हमने सदियों पहले इन जीवों के आखिरी सदस्य को खो दिया था, लेकिन 2019 में यह प्रजाति उसी जगह एक बार फिर जन्म ले चुकी है। और इसीलिए खोजकर्ताओं के लिए इतनी पुरानी कछुओं की प्रजाति को ढूंढना शायद इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है वेल की उल्टी का इस्तेमाल क्या होता है? दरअसल वेल की उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है और केरल के वन विभाग ने 30 करोड़ रुपए की 90 किलो एम्बर ग्रीस जब्त की है, जिसे आमतौर पर वेल की उल्टी के रूप में देखा जाता है। आपको बता दूं कि एम्बर ग्रीस को परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में होती है। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल धूप और अगरबत्ती बनाने में भी किया जाता है, तो हो सकता है इसे सुनने के बाद आप परफ्यूम लगाना छोड़ दें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों 29 साल की एल्विटा एडम्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो दुनिया मशहूर हो गई। जी हाँ, ये वो महिला थी जिसने दुनिया छोड़ने का इरादा तो बनाया लेकिन दुनिया उसे जाने नहीं देना चाहती थी। दरअसल नौकरी जाने से परेशान एल्विटा अपने रोज रोज के खर्चे नहीं संभाल पा रही थी। सिर्फ $100 ही बचे थे एल्विटा के पास और 10 साल के बेटे की परवरिश भी उसे खाई जा रही थी। फिर एक दिन एल्विटा ने आत्महत्या करने का फैसला किया और मैनहट्टन सिटी के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 86वें फ्लोर से छलांग लगा दी। लेकिन अचानक हवा ने अपना रुख बदल दिया और हवा के तेज बहाव से एल्विटा 85 फ्लोर से बिल्डिंग के अंदर जा पहुंची और ये एक अजीब इत्तेफाक बन गया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों यूं तो महिलाओं ने आज के समय में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसे इंडिया फास्टेस्ट फीमेल रेसर का टाइटल मिला हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नेहा शर्मा की, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना रेसिंग करियर शुरू किया था और 17 साल की उम्र में आते आते वो MRF इंडियन नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप तक पहुंच गई। इनके बारे में खास बात यह है कि रेसिंग के साथ साथ ये फ्लाइंग स्कूल में पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रही थी और फिर 2009 में जेके टायर नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्ट्रोक कैटेगरी में सेकंड पोजीशन लाकर इन्होंने सबको चौंका दिया। यही नहीं, अपने इसी टैलेंट के चलते स्नेहा बतौर पायलट इंडिगो एयरलाइंस में 15 दिन फ्लाइट उड़ाती हैं और 15 दिन रेस ट्रैक पर धूम मचाती हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको लगता होगा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। अब व्हाइट हाउस और अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को ले लीजिए, जहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ इन सभी जगहों से काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है। अमेरिका में मौजूद इस इमारत का नाम है फोर्ट नॉक्स, जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के ट्रेजरी ने ले रखा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ US गोल्ड रिजर्व का करीब 40 लाख किलो सोना रखा हुआ है और अमेरिका के संविधान की असली कॉपी, कुछ बेशकीमती बाइबल जैसे सामान भी यहाँ रखे गए। इस वजह से इसकी इतनी ज्यादा सुरक्षा की गई है। US ट्रेजरी का कहना है कि इसमें सुरक्षा के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की जमीन के अंदर कई विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं जो शरीर के तापमान से संचालित होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करे तो बिना चेतावनी के उसका काम तमाम हो सकता है। साथ ही बिजली के तार और कई मशीनें भी लगी हुई हैं जो लेजर और रडार के जरिए काम करती हैं। फैक्ट नंबर 4, स्वीडन की एक महिला ने 1995 में क्रिसमस की पार्टी के लिए खाना बनाते वक्त अपनी शादी की अंगूठी खो दी और उसने हर जगह से ढूंढने की कोशिश की लेकिन अंगूठी नहीं मिली। यहाँ तक कि सिर्फ अंगूठी के लिए उसने अपनी किचन की दीवार भी ऊंची करवा दी और ये सिलसिला साल 2012 तक यूं ही चलता रहा। लेकिन 16 साल बाद खेतों में काम करते वक्त गाजर की बेल में लिपटी एक अंगूठी मिली और तब से लेकर इस इंसिडेंट को एक इत्तेफाक की तरह देखा जा रहा है, जबकि ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा था जो गाजर में मिला। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सरकार चलाने का अधिकार सिर्फ हम इंसानों के पास है ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम पूरी तरह से भ्रम में जी रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनकर शायद हैरानी हो लेकिन एक बिल्ली भी कभी मेयर रह चुकी है। असल में 1997 में स्टब्स नाम की एक बिल्ली अलास्का के टालकिटाना शहर में मेयर बनी थी। 772 लोगों की आबादी में किसी भी इंसान के लिए शहर की आबादी को संभालना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए यहाँ लोगों ने एक बिल्ली को मेयर चुनने का फैसला किया। और सोचने वाली बात यह है कि स्टब्स मेयर की भूमिका निभाने में कामयाब रही, क्योंकि मेयर की गद्दी पर बैठी ये बिल्ली लोगों का खूब प्यार बटोर रही थी। और स्टब्स का ये सफर साल 2017 तक यूं ही चलता रहा और एक दिन अचानक स्टब्स की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 2, आपने दुनिया के एक से बढ़कर एक महंगे स्कूलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट ले रोसे को दुनिया के सबसे महंगे स्कूल का दर्जा मिला हुआ है। इस स्कूल की सालाना फीस $1,00,000 है। साल 1880 में बने स्कूल से नामी गिरामी हस्तियां पलटकर निकली हैं। बता दें इस स्कूल के पास अपने प्राइवेट जहाज और रिजॉर्ट्स भी हैं, जहां हर साल जनवरी के महीने में स्कूल के बच्चे अगले 3 महीनों तक फन एक्टिविटीज करते हैं। यही नहीं,
70 एकड़ में फैला यह स्कूल हर मौसम में अपना कैंपस बदलता है ताकि बच्चों को सूरज की पूरी रोशनी मिल सके। और स्कूल में कॉन्सर्ट हॉल, हॉर्स राइडिंग के लिए मैदान भी है। इस स्कूल की फिलॉसफी अमेरिकन साइकोलॉजी और हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत पर चलती है। फिलहाल यहाँ 56 देशों के 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आपके पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे हो और ऐसे में अगर आपको ईंट या पत्थर खाने को दे दें तो क्या आपको ये मंजूर होगा? नहीं ना। लेकिन ये दुनिया अनोखे लोगों से भरी पड़ी है दोस्तों। ऐसी एक महाशय है पक्की रप्पा होरागुंडी। 30 साल की पक्की रप्पा एक अजीब लत का शिकार है जिसमें इन्हें पत्थर से लेकर मिट्टी और ईंट खाना बेहद पसंद है। दोस्तों 10 साल की उम्र में पक्की रप्पा ईंट और पत्थर को ही अपना हर दिन का भोजन मान चुके हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू के दौरान पक्की रप्पा ने साफ कहा है कि अगर कोई उनके सामने लजीज से लजीज खाना भी ला कर दे तो भी वो सिर्फ पत्थर खाना ही पसंद करेंगे। और इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे मजेदार फैक्ट्स के लिए देखते रहिए द फैक्ट लैंड और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।